नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबरें शाहजहांपुर से। केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के तत्वाधान में बुधवार को आलू और प्याज के 8 कट्टे कोरोना वायरस राहत कोष के अंतर्गत नगर पालिका प्रशासन को भेंट किए गए। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजकरण चौहान ने कहा, कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट में यदि और किसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी तो संगठन प्रशासन के साथ खड़ा है। संगठन के जिलाध्यक्ष रविन्द्र वर्मा ने कहा कि इस महामारी से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी हमारी जीत संभव है। इस मौके पर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार मालिया, शासकीय कर्मचारी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिश खान, सागर गौड़ एवं क्षितिज शर्मा आदि मौजूद थे। यहाँ भी पीछे नहीं, केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन शाहजहांपुर जिला इकाई द्वारा जहां हर संभव प्रशासन की मदद करने को तत्पर है, वहीं शहर में 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे पुलिस जवानों के लिए भी सेवा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बुधवार को दोपहर 12 बजे जिला अध्यक्ष रविंद्र वर्मा कुर्मी द्वारा अपने घर से पुलिस जवानों के लिए चाय की व्यवस्था की गई। जवानों ने चाय पीकर संगठन का धन्यवाद दिया। अरे अभी केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन जब से कोरोना की महामारी देश के अंदर जगह जगह हमारा जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं पूरे भारतवर्ष भारत राज्य में हैं, सभी जगह मानव सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और कोरोना की महामारी के लिए जो भी हमारे संगठन के द्वारा बन रहा है, जैसे कोई राशि हुई या कोई वस्तु हुई या किसी प्रकार की कोई मेडिकल हुआ, मास्क वगैरह हुआ, ये जगह जगह हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। आज क्या दान करा आपने? आज हमने आलू और प्याज। कितनी कट्टी? 4 कट्टियाँ आलू की है, 4 कट्टी प्याज की, जिसमें से 3 कट्टी कल वापस आएगी।